में गणतंत्र दिवस की पावन वेला पर हमारे ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के जितने भी अधिकारी गण, जो भी हमारे कार्मिक गण और ये हमारे प्यारे बच्चे, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे मीडिया से जुड़े हुए तमाम सारे प्रतिनिधि, हम सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। आज के इस पल में जब देश का हमारा संविधान, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लागू हुआ था, ऐसे क्षण में अगर हम 29 मार्च 1857 की वो घटना, जब उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव के रहने वाले मंगल पांडे की शहादत को याद करें, जब उन्होंने बंगाल इन्फेंट्री में विद्रोह का पहले गदर का बिगुल बजाया था और 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजी शासन ने उनको फांसी दे दी थी, ईश्वरी प्रसाद उनके साथ पुलिसकर्मी थे, उनको भी फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 के दिन को। उसके बाद अगर आज हम 18 जून 1858 की उस घटना को याद ना करें तो यह बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने साम्राज्य की रक्षा करते हुए शहीद हुई थी, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए, वो शहादत का दिन, ये उनकी शहादत आज के इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर हम सब लोगों को स्मरण करना चाहिए। जो 1857 और 1858 की घटनाएं हैं, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद की जाती हैं। जो आज हम लोग आजाद बैठे हुए हैं, उसका विगुल, उसका शंखनाद 1857 में हमारे मंगल पांडे और 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1905 की वो घटना, जब बंग भंग कानून जुलाई में आया था 1905 में, और हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा था, आज भी हम गाते हैं वंदे मातरम गीत। मोहम्मद इकबाल साहब बहुत बड़े शायर थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को आज याद करने का दिन है, जिन्होंने बंग भंग में हिस्सा लेकर के बंग भंग के आंदोलन को सफल बनाते हुए अंग्रेजी शासन को, लॉर्ड कर्जन को मजबूर कर दिया था, और 16 नवंबर 1905 को बंग भंग कानून को वापस लेना पड़ा था, और सांप्रदायिक आधार पर जो बांटने की साजिश थी अंग्रेजी शासन की, बंगाल को बांटा जाएगा, एक पूर्वी बंगाल कहा जाएगा, एक पश्चिमी बंगाल कहा जाएगा, वो साजिश नाकाम कर दिया था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने। वो पहली विजय थी, हिंसक आंदोलन हुआ था, तमाम लोग उसमें शहीद भी हुए थे। और आज के इस वेला में 1913 की एक सुखद घटना, हमको सुख पहुंचाने वाली जो घटना है, उसको भी याद करने का पल है। जब दुनिया में हमारे देश के सबसे बड़े साहित्यकार, सबसे बड़े विद्वान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका लिखा राष्ट्रगान अभी हम लोग गाए हैं, उनको गीतांजलि नामक पुस्तक पे दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज, सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1913 में। उस पल को भी हमें याद करना चाहिए कि भारत को वो गौरव, यानी नोबेल प्राइज प्राप्त करने का पहला गौरव उस समय प्राप्त हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। आज के इस पल में गणतंत्र दिवस पर अगर 1917 के चंपारण सत्याग्रह को हम याद ना करें, जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, नील की खेती करने वाले तमाम सारे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था ब्रिटिश शासन के द्वारा, उस अत्याचार को समाप्त कराने के लिए चंपारण में, बिहार के चंपारण में गांधी जी ने पदार्पण करके एक बिगुल फूंका था,
और उन्होंने पहली बार दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद सत्याग्रह करके आंदोलन की शुरुआत की थी। हम 1918 के खेड़ा सत्याग्रह को नहीं भूल सकते, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा में उस समय जब आंदोलन छेड़ा गया, जब देश अकाल से जूझ रहा था, देश में सूखा पड़ा था। 1917 से 18 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस साल कोई भी खेती नहीं कर पाए थे हमारे देश के किसान। प्लेग की महामारी से तमाम लोग मर गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिगुल फूंका कि ब्रिटिश शासन लगान को माफ करे 100%, नहीं हम जीना हराम कर देंगे। उसमें गांधी जी को आमंत्रित किया खेड़ा के थाना कोतवाली मुख्यालय पर, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था। उसमें गांधी जी की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली बार गिरफ्तारी हुई थी स्वतंत्रता संग्राम में। ये इतिहास में कभी भी नहीं भुलाया जा सकता कि एक सत्याग्रह के दौरान एक अच्छी मांग को लेकर के, एक सात्विक मांग को लेकर के हमारे सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके कोतवाली में बंद किया गया खेड़ा में। लेकिन ये इतने तेजस्वी लोग थे, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे प्रतिभाशाली लोग, कि उनके आगे उस समय के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को झुकना पड़ा और उन्हें ब्रिटिश शासन ने हुकूमत ने आदेश किया कि लगान को माफ कर दिया जाए। जाए जोरदार तालियां। ये बंग भंग के बाद दूसरा, हम समझेंगे तीसरा, ये खेड़ा सत्याग्रह का आंदोलन था जिसमें हमारे सत्याग्रहियों की विजय हुई थी, चंपारण के बाद खेड़ा सत्याग्रह। हम 1918 में उस आंदोलन को नहीं भूल सकते जब हमारे बीच में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। उस समय प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की पर कब्जा कर लिया था और तुर्की का जो खलीफा पद हुआ करता था, इस्लाम धर्म के हमारे जो भाई लोग हैं, अनुयायी हैं, उनकी बड़ी श्रद्धा थी। खलीफा के पद को समाप्त करने से हमारे इस्लाम मतानुयायियों के श्रद्धा को बहुत बड़ा आघात पहुंचा था और अली बंधुओं ने, शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं ने, दोनों लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की थी जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वर से खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया था। हम रौनक एक्ट को कभी नहीं भूल सकते आज के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर, जो एक दमनकारी कानून था। 1919 की शुरुआत में कानून बनाया गया 8 जनवरी को, और इस कानून के जरिए यह व्यवस्था दी गई थी कि किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए गिरफ्तार करके अनिश्चितकालीन जेल में डाला जा सकता था, अनिश्चित काल के लिए उसको बंद किया जा सकता था। इस दमनकारी कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चला। रौनक एक्ट के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 की वो विभत्स घटना जो पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था, जिसमें 3000 लोगों की हत्या जनरल डायर ने कर दी थी। पंजाब के गवर्नर ली ड्वायर के कहने पर धारा 144 के उल्लंघन का बहाना लेकर के हमारे 3000 स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत उसमें की गई थी। और उसके बाद पूरे देश में एक माहौल जो स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के बनना चाहिए था, वो बहुत ही गर्म माहौल बन गया था। और उस माहौल को लेकर के हमारे महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जैसे महान लोगों ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये 1920 का वो आंदोलन था जिसमें आबाल वृद्ध नर नारी, पूरे देश के बूढ़े बच्चे, जवान महिलाएं, माताएं बहनें, सब लोगों ने सड़कों पर निकल करके हिस्सा लिया था। तमाम सारे लोगों ने सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया था। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी और खादी को लेकर के गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था कि हम अपने देश में बने हुए चीजों को ही स्वीकार करेंगे, उसका ही प्रयोग करेंगे, बाहर की किसी भी चीज का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे।